व्रत का जो नियम है वो एक ही नियम है जो शिव महापुराण के अंतर्गत है। सुबह पूजा की थाली लगाई है, पांच व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं है। कितने व्रत? पांच। सुबह पूजन की थाली लगाई है, पूजा की थाली अभिषेक का सामान सब लेकर आप मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन नबीर गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए, थोड़ा फल जो भी रख लो। सुबह पूजन करो बाबा का, निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए, शाम को जब जाओ कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही हो। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहाँ ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें, नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से तीन हिस्से हों। एक पात्र में भर कर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। छह दिए लेकर जाओ, बाबा के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करो। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है, थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर जैसी पूजन सुबह करी वैसे ही भाव से पूजन करो। पांच दिए थाली में से नीचे रख दो, छठवा दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। पांच दिए लगाना जब जब प्रसाद के तीन हिस्से पूरे कर दो, प्रसाद के तीन हिस्से रख दो नीचे, फिर दिए लगा दो पांच। एक दिया उठाकर जिसको जलाया नहीं है वापिस अपनी थाली में रख दो। पांच दिए प्रज्वलित कर कर बाबा को निवेदन कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना, दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा पशुपति व्रत में कर रही हूं, मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा, इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है, आप इसको मिटाइए। विनय करो, बाबा से विनती करो, एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर कर बाकी का वहां छोड़कर एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाइए। एक दिया एक प्रसाद का हिस्सा लाए, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को घर के बाहर प्रज्वलित कर दो, भगवान से विनती करो, भोलेनाथ आप मेरे घर में प्रवेश कर मेरा कार्य सिद्ध करें, बाबा को निवेदन कर अंदर जाइए। भोजन करने से पहले जो मीठा है एक हिस्सा प्रसाद का है उसको खा लीजिए, उस हिस्से में से किसी को नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, उस प्रसाद का हिस्सा केवल तुमको खाना, पहले प्रसाद खाइए उसके बाद में फिर भोजन करें। एक समय फलाहार कर सकते हो, दूसरे समय भोजन कर सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि आपको मीठा ही खाना है। शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा, सवेरे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो, फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो, पर भोजन जब करोगे अन्न जब खाओगे जब पहले भगवान का प्रसाद पालो। चार पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। तीन हो गए, एक रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाए। पांचवा छूट गया कोई बात नहीं, एक महीने बाद तो होगा, आठ दिन बाद तो होगा, पंद्रह दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, पांचवा हो गया महाराज। ऐसे पांचवा व्रत जब आए, पांचवे व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल कुछ रुपए 11 रुपए आदि जो भी है नारियल पर रखकर बाबा को विनय कर बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो मेरी झोली भरना बाबा, विनती करो, और वो श्रीफल रुपया रखकर पांच दिए लगाकर एक दिया वापिस लेकर एक हिस्सा प्रसाद का लाकर दहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर भोजन ग्रहण करो, बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है, पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपए आपने मंदिर में रखे हैं वो अध्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर रखे हैं, ये पशुपति व्रत। अब दुनिया के लोग इसको पशुपति व्रत को कहीं इतनी बत्ती लगा दो तो इतनी बत्ती का दिया लगाओ तो ऐसा करो तो गलत, उसका नियम जो है वो एक ही, उस नियम के अलावा कोई नहीं। आप प्रेम से करो, स्नेह से करो, उसको दिल से विचारो, मन से विचारो।
शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। आप दिल से उसका स्मरण, ये पशुपति व्रत है। एक व्रत करने के बाद अगला जब व्रत करो तो थोड़ा रुक कर करना, एक साथ लगे लगाए व्रत ना करिएगा, थोड़ा रुक कर करिए, इंतजार करो 3 महीने का कि बाबा मेरी ऊपर कृपा जरूर करेगा। दिल से करा है तो वो दिल से देगा, झोली भर कर देगा, ये निश्चित है, उसका व्रत फल देता है। करना जरूरी नहीं है कि व्रत माताएं करेंगी, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बेटा बेटी कर सकते हैं, नवयुवक बच्चे कर सकते हैं, पर दिल से करो उस पशुपति व्रत। कोई आपका दूसरा व्रत फंस गया है तो पशुपति व्रत को छोड़ दो, उस दिन आपका जो व्रत है एकादशी हो, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, उसको कर लो। नवरात्रि फंस गए नवरात्रि कर लो, उसके बाद कर लेना पशुपति। जितने व्रत रह जाए उस व्रत को बाद में। महाराज शिव कृपा, व्रत एक ही मंदिर में करना, जिस मंदिर में पहला व्रत करा है उसी मंदिर में 5 व्रत करना। ये नहीं कि हम मायके में 2 व्रत करके आ गए और तीसरा व्रत हमने ससुराल में कर लिया, नहीं। 2 व्रत करके मायके से आ गई हो तो 3 व्रत भी मायके जाके ही करना। अगली बार ऐसे जाना कि सोमवार बीच में फंस जाए और तुम 1 व्रत करके आ जाओ। मायके में अगर व्रत कर रही हो तो अपनी पूजन का सामान अपने ही रुपए का होना चाहिए, मायके के पैसे का नहीं चाहिए। कुंवारी होती और तुम मायके के सामान से पूजन करती अगर कुंवारी होती तो तुम्हारा वो पूजन लगता, पर विवाह होने के बाद गोत्र बदलने के बाद आप अपना पूजन का धन अपना खर्च करें। हम तो यहां तक कहते हैं मंदिर में भी अगर लोटा भरा हुआ रखा है, मंदिर में बाल्टी भरी रखी है, आप पहले अपना कुछ रुपया दान पेटी में डालकर फिर आप उस लोटे का प्रयोग करो। पीपल के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, आंवले के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, बड़ के पेड़ के नीचे पूजन करने गए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, सामान मिल गया, उसके सामान में से आप मत चढ़ाइए, आपके पास जो सामग्री है आप उससे पूजन करें। अपने पड़ोसी से 1 रुपया भी मांगकर भगवान को मत दीजिए। जिस भगवान को देते हो उस भगवान को बुरा लगता है कि मेरे सामने खड़ी होकर हाथ पड़ोसी के आगे फैला रही है, तुम मुझसे मांग मैं तुझे झोली भर कर दूं। पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवती साहू के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हैं। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है, पितरों की पूजन हो रही होती है लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पर जहां पर देवाधि देव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। फिर आपने वर्णन करा 5वां व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं, सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि एक एक करके चढ़ाना चाहिए? वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक कर चढ़ाना चाहिए, एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समझते। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदी वाला जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है, ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है, जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बताते हैं कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते, दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है,
दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और उसे खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा, वृंदा का पति लेकर जा रहा, वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्ष्या प्रवृत्ति अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है, कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्ष्या जाती है, अपने आप अंदर से ईर्ष्या जाग, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्ष्या जाग भीतर से ईर्ष्या जाग, ना आप उससे मिले हो ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल के आए, कभी उनका सामना हुआ? नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला, मालूम पड़े तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे, पिताजी 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 कर कर जगाया, उठो पिताजी पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे, क्या करें हम, जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको, मारने को तो मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिवजी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें, क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तबाखरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूं? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं, अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में, नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था, गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए, नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा जो कथा यहां कही जा रही है,
यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना है संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले, शिवजी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे, यहां कहा यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी, वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का वो पहुंच गया, वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई।